जो लड़की हर समय घर से दूर रहती है वही परफेक्ट है इस काम के लिए। लेकिन आगे का क्या प्लान है? वक्त आने पे वो भी देख लेंगे। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में ज्यादातर इंसान अपनी हार से उतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरों की जीत से। किसी के ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखकर हम ये मानने लगते हैं कि उसकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद ऐसे प्रोफेशन में लोग ट्रेंड हो जाते हैं अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छिपा कर रखने में, जबकि ऐसा होता है कि चकाचौंध में कई बार दर्द और स्ट्रेस उभर कर सामने नहीं आते। फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों है? काश कि जिंदगी में सवाल ही नहीं होते। यकीन नहीं होता प्रोफेशन में ली हुई ट्रेनिंग पर्सनल लाइफ में काम आ जाएगी। अपनों के सामने एक मुखौटा लगाकर रहना होगा। काव्या, कितने दिनों बाद देख रही हूं तुझे यूनिफॉर्म में। कितनी प्यारी लग रही है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये ले, तेरे लिए चिप्स बनाए हैं। अरे बेक्ड है, चिंता मत कर, मोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है माँ, मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। आने के बाद फिर शादी करके चली जाएगी, तुम्हें लाज किसके साथ लड़ाऊंगी। ये ले। कैब बुक कर ली? नहीं, वो मनोज ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट। हाँ सैमी, अरे मैं भूल रहा हूँ ना, तू भी ले ले शेयर। मैंने खुद 10,000 शेयर लिए हुए हैं। चल बाद में करता हूँ। काव्या, जीजू आ गए। हाँ आ रही हूँ माँ। ध्यान रखना। हाँ। ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय पापा। पर इसकी शुरुआत मैंने नहीं की, पासा किसी और ने फेंका था और अब इस गेम का हिस्सा हूं मैं। बहुत कुछ सोचना है। हाय जीजू। हेलो, हाउ आर यू? हाय काव्या, हाउ आर यू? आइए सर, बॉडी वहां पर है। स्वाति, ये क्राइम सीन नहीं है। बॉडी को यहाँ लाके डंप किया गया और बॉडी की हालत देखकर लगता है कि हादसा एक दो दिन पहले ही हो चुका है। सर, ये पर्स मिला है और ये आईडी मिली है, स्विफ्ट वॉयज एयरलाइन की। किसने खबर दी? सर, उस दूध वाले ने फोन करके बताया। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजू। जी सर। सर, इस लड़की का नाम काव्य शेठ है, एयर होस्टेस थी। थी मतलब? सर, रिकॉर्ड्स के मुताबिक काव्या ने 1 महीने पहले रेजिग्नेशन दिया था। अब वो हमारे साथ काम नहीं करती। हमें काव्या के फैमिली की और घर की डिटेल्स चाहिए।
सर काव्य का होम टाउन सूरत ही है तो मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ। जॉब छोड़ दिया था पर वो तो 3 दिन पहले ही मुंबई के लिए निकली थी। मुंबई से सिंगापुर फ्लाइट में ड्यूटी थी उसकी। मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। ऐसे कैसे हो सकता है? इनफैक्ट मनोज जीजू उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। चल बाद में करता हूँ। काव्या जीजू आ गए? हाँ आ रही हूँ। काव्या शादीशुदा थी? जी नहीं, दोनों एंगेज्ड, लेकिन अगले महीने ही शादी होने वाली। आपकी आखिरी बार बात कब हुई काव्या से? फ्लाइट के दौरान अक्सर वो अपना फोन बंद रखती और मैसेजेस के थ्रू बात करती। ये देखिए। हाँ ये काव्या ने जॉब छोड़ दी थी, ये बात उसने आपको क्यों नहीं बताई? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि काव्या ये जॉब कैसे छोड़ सकती थी। देखो काव्या, मनोज के पास अब पैसे नहीं है, उसे प्रॉपर्टी से भी अलग कर दिया गया, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक डूबती हुई कश्ती पे सवार होने की कोई जरूरत है। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ना। अरे बेटा ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? देखिए पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी, और फिर मेरी जॉब भी तो है ना, और अकेडमी के एंडोर्समेंट से पैसे भी आते हैं, हम कर लेंगे मैनेज। इस अकेडमी के एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं आप? सर लर्न एंड फ्लाई एयर होस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी, काव्या ने वहीं से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली थी। कंपनी ने काव्या को अपना फेस बनाया था, कंपनी के पैम्फलेट में उसकी फोटोज भी है। सर एक सेकेंड। ये देखिए सर, काव्या इसी जॉब के भरोसे अपने आगे की जिंदगी बिताने वाली थी। हमें काव्या का मोबाइल तो नहीं मिला, उसका मोबाइल नंबर देंगे? काव्या के लिए जॉब इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसने वो जॉब छोड़ी क्यों? सर हो सकता है कि एकेडमी के एंडोर्समेंट से अच्छे पैसे मिल रहे हो, इसलिए जॉब छोड़ दी उसने। हो सकता है गुप्ता, लेकिन अगर जॉब छोड़ ही दी थी तो यूनिफॉर्म में घर से निकलना? मुंबई सिंगापुर एयरलाइन में ड्यूटी है, ये नाटक कर ये ऐसा क्यों करेगा? एक काव्या की डिटेल्स निकालो और उसका फियोन से मनोज मेहता उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। गुड इवनिंग सर। सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए, टॉप क्वालिटी, और इसमें बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। क्या जॉब छोड़ दी? सर एंगेजमेंट के बाद उसने एक बार जिक्र किया था कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन काबे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को घर पे बैठा के रखे। लेकिन मनोज शादी के बाद दोनों चीजें कैसे मैनेज करूंगे मैं? कमॉन काव्या, मैं जानता हूँ तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। See, I don't want to be selfish. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पे बैठो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फ्लाई हायर। और वो मान भी गई थी सर, लेकिन उस दिन के बाद से इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं निकला। आपने उसे एयरपोर्ट छोड़ा, उसके बाद आपकी उससे कब बात हुई थी? सर उसका मैसेज आया था कि वो मुंबई पहुँच गई है, और उसके बाद उसका गुड नाइट का मैसेज आया था। आपने उसे रिप्लाई नहीं किया? सर वो बिजनेस में काफी स्ट्रेस चल रहा है तो शायद दिमाग से निकल गया हो। कैसा स्ट्रेस? हमारा डायमंड्स का काम है सर, और डायमंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग आंगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और सोमेन देसाई नाम का मेरा एक बहुत पुराना आंगड़िया था सर। पिछली बार जब मैंने उसको डायमंड्स का पार्सल दिया तो सर उसी दिन से वो गायब है सर। मैंने उसकी एफआईआर भी लिखवाई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सर, क्योंकि उसमें व्यापारियों के करोड़ों के डायमंड्स हैं सर। मतलब इसी हादसे के बाद काव्या के पेरेंट्स शादी नहीं करवाना चाहते? मनोज के पास अब पैसे नहीं है, बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी। लेकिन काव्या ये शादी करना चाहती, तुम्हें कोई अंदाजा है कि काव्या के ऊपर उसके फैमिली की ओर से कोई दबाव हो रिश्ता तोड़ने के लिए? काव्या ने तो कुछ ऐसी बात कही नहीं मुझे कभी। हाँ मैं एग्रीमेंट पेपर्स लेकर आती हूँ। 2 साल पहले यहीं से ट्रेनिंग ली थी काव्या ने, स्टार स्टूडेंट थी वो हमारे यहाँ की।
एक वही थी जिसकी इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब लगी थी। इंटरनेशनल एयरलाइंस की जॉब छोड़ दी थी काव्या ने? यह है काव्या के साथ हमारा अग्रीमेंट। ये पूरा अमाउंट आपने उसे दे दिया था? नहीं, अभी सिर्फ 50,000 दिए थे, बाकी के ईयरली 4 किस्तों में दिए जाते। काव्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे? कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही उससे लास्ट मुलाकात हुई थी, बाकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा था वो हमें पता नहीं है। सर, हो सकता है कि एंडोर्समेंट के अमाउंट की वजह से काव्या ने अपने जॉब छोड़ने की बात छिपाई। इन काव्या अपने जॉब छोड़ने वाली बात अपने घर वालों से और अपने मंगेतर से क्यों छुपाई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकेडमी को सच्चाई के बारे में पता चल गया हो और इसलिए काव्या को? तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते गुप्ता, इतनी सी बात के लिए कोई मर्डर नहीं करेगा। आसवाती बोलो। काव्या की किसी भी फ्लाइट में कोई बुकिंग नहीं है। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में मनोज के ड्रॉप करने के बाद काव्या ने एक कैब ली। उस कैब के डिटेल्स हमने आरटीओ भेजे हैं, कुछ देर में डिटेल्स मिल जाएंगी। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। हेलो सर, सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर। इसमें बहुत अच्छी स्कीम भी चलती है सर। सर, काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उसके सिर पर किसी भारी चीज के मारने की वजह से हुई। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च की शाम को काव्या की मर्डर हुई। 22 मार्च की शाम को? लेकिन काव्या के पेरेंट्स को 23 तारीख तक मैसेजेस आए काव्या के फोन से और उसके मंगेतर को 22 की रात को काव्या के मोबाइल से गुड नाइट का मैसेज आया। इसका मतलब जिसने काव्या को मारा है उसी ने काव्या के पेरेंट्स को और उसके मंगेतर मनोज को मैसेजेस किए। एक काम करो, काव्या के मोबाइल की लोकेशन और उसकी डिटेल्स निकालो और उसके मोबाइल को सर्वेलेंस पे डालो। हाँ सर, हाँ हाँ, मिल जाएगा सर आपको माल। अरे अरे सर, आज शाम तक मिल जाएगा आपको, पक्का। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। सर, काव्या शुरुआत में तो अपने काम को लेकर सीरियस थी, पर धीरे धीरे उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा हो। उसने कभी कोई परेशानी का जिक्र किया? नहीं सर, पर मलेशिया में हमारे हॉल्ट के दौरान। वो पैसेंजर हमारे साथ फ्लाइट में था, शायद हमारे पीछे पीछे उसने सेम होटल में चेक इन किया। हमने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की पर एयरलाइन वालों ने कहा कि वो एक्शन लेंगे। और सबको पता था कि वो कोई स्कैंडल नहीं चाहते तो इस मामले को ऐसे ही दबा दिया। कुछ दिनों बाद काव्या ने जॉब छोड़ दी। तुमने काव्या से आखिरी बार बात कब की? सर, काव्या के रेजिग्नेशन की खबर के बाद उसको कई फ़ोन किए थे पर उसने एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। अगर दोबारा कोई पूछताछ में आपकी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको फोन करेंगे। उसने मेरी वजह से हमसे ये बात छुपाई कि उसने नौकरी छोड़ दी ताकि मुझे बुरा ना लगे। आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा था? एक तरफ नौकरी छोड़ बैठी थी और दूसरी तरफ मनोज से शादी करने की जिद पर लड़ी थी। क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी? इंस्पेक्टर साहब, जब ये शादी तय हुई थी तब मनोज के ऐसे हालात नहीं थे। काव्या के परिवार की डिटेल्स निकाली? जी सर, पूरी डिटेल निकाली। भाई विक्की स्मॉल टाइम स्टॉक मार्केट प्लेयर है, बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमा चुका है पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक रिच डायमंड बिजनेसमैन से शादी करे, ये थोड़ा सा असामान्य है। क्या दोनों की कहानी? सर, मनोज काव्या को फ्लाइट में मिला था और उन दोनों के बीच प्यार हो गया, लव मैरिज तो ऐसे ही होता। ये तो ही मनोज की खबर, उसके परिवार की डिटेल निकालो। जी सर। काव्या एक 24 साल की लड़की जिसका एक हंसता खेलता सुखी परिवार था। गुजरात के सूरत शहर में बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल हुआ था। पुलिस के जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, काव्या सेठ, क्योंकि उसकी लाश शहर के बीचों बीच मिलने के 15 दिन बाद तक पुलिस कातिल का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। हाँ, इस मैडम को एयरपोर्ट से पिकअप किया था और होटल जीकेपी पैलेस के बाहर इन्हें ड्रॉप किया था। साहब, ये मेहता फैमिली है ना, पीढ़ियों से धंधे में, और इनके बाप सूर्यकांत के बाद दोनों भाई बिजनेस संभालते थे और सुना है कि डायमंड की वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ।
सर। सर मनोज ये इल्जाम लगा रहा है कि डायमंड के गायब होने के पीछे उसके बड़े भाई राज का हाथ है, और राज का कहना है कि डायमंड गायब करने का कारण मनोज है। सर खबर ये भी है कि राज ने मनोज को घर से बाहर निकाल दिया है, प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा है, और सर इस मनोज ने हाल फिलहाल में लोन लिया था कुछ काम करने के लिए। सर आपको पता है आप कितनी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस हजारों और करोड़ों के बीच का है सर, और काव्या को मार के मुझे क्या मिलने वाला है सर, उसकी जरा सी कमाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं था, इससे ज्यादा पैसा तो हम लोग अंगड़ियों को दे देते हैं, और लोग हमारे पास इतना पैसा छोड़ के जाते हैं सर। सोमेन देसाई भी अपना कमीशन मेरे पास छोड़ के जाता था कई बार। कैसे हो सोमेन भाई? एकदम बढ़िया। और धंधा पानी कैसे चल रहा है? हाँ धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अरे हो जाएगा गरम, बस ये काम करते रहिए आप। सोमेन भाई। हाँ बोलिए। ये आपके पिछली बार का कमीशन। अरे मनोज भाई मरवाओगे क्या, इतना पैसा लेके मैं ट्रैवल नहीं करता कभी। रख दो बाद में लेके जाऊंगा। सर सोमेन मेरा वफादार अंगड़िया था सर, बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहा था। देखिए सर मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ सर, अगर वो डायमंड्स नहीं मिले तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं काव्या को क्यों मारूंगा सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ सर। ठीक है जाइए। सर सर हो सकता है कि काव्या का मर्डर मनोज की वजह से हुआ हो, या फिर कोई ऐसा है जो मनोज को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। सोमेन मिसिंग केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। सराफा बाजारों में विश्वास पर ही काम होता है। आंगड़िया ये सराफा मार्केट का एक ऐसा लिंक है जो सोना चांदी डायमंड और कैश जैसे जोखिम भरे काम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से भीड़ में शामिल हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये अपने सर पर करोड़ों का जोखिम लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा था ना तुमसे मेरे सामान को हाथ मत लगाना। रूम दो दिन के लिए बुक किया था तो सारा पेमेंट भी कैश में कर दिया था सर, और सर उसी शाम को काव्या मैडम होटल से बाहर गई, फिर वापस नहीं आई सर। 24 तारीख तक उनका सामान रूम में ही था, 24 तारीख को ही मैंने मैडम को फ़ोन भी किया लॉग आउट पूछने के लिए, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। तो जनरली जब किसी गेस्ट से संपर्क नहीं हो पाता है तो हम उनका सामान लगेज रूम में शिफ्ट कर देते। हमें काव्या सेठ का सामान दिखाइए। लैपटॉप को चेक करने के लिए लैब में भिजवा। सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर आइए मैं दिखाता हूँ। ये लड़की तो एकेडमी में थी ना विनीता, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप काव्या से मिलने गई थी? सर वो मैं काव्या के मर्डर की न्यूज़ सुन के डर गई थी सर। काव्या ने मुझे होटल के लैंडलाइन से फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। क्यों बुलाया था? एक्चुअली काव्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हमने उसे ओरिएंटेशन डे पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। मेरी माँ का सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, क्योंकि जब उन्होंने ये ख्वाहिश अपने पेरेंट्स को बताई उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एक लड़की के लिए शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कभी तो कहा होगा ऐसा। और फिर उन्होंने उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद घर बच्चे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो इतना बिजी हो गई कि उनका ये सपना पीछे छूट गया। बट थैंकफुली आज के दौर में हम लड़कियों को हमारा सपना पूरा करने का हक मिलता है। लेकिन जमाना इतना भी नहीं बदला,
जितना हम सोचते हैं। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दुनिया का सामना करते हैं। तब हमें पता चलता है कि असली दुनिया से लड़ाई क्या होती है। तब हमें हमारी बाउंड्रीज खुद तय करनी होती है, अपने लिए खुद लड़ना होता है। डोंट वेयर अ मास्क ऑफ अ हैप्पी फेस बिकॉज इफ यू डू सो यू आर नॉट फूलिंग अदर्स, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। सर, इस इंसिडेंट के बाद हमें बहुत लॉस हुआ था। लोगों ने अपने एडमिशन भी विड्रॉ कर लिए थे। हमने काव्या के साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट कर लिया था। काव्या ने सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया था और बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। मैंने उससे यही कहा था कि मैं विनय से बात करके बताऊंगी। आपको ज़रा भी अजीब नहीं लगा कि उसने आपको होटल में मिलने क्यों बुलाया? क्या उसने बताया कि वो होटल में क्यों थी? सर, उसने तो यही कहा था कि उसकी एक दो घंटे में फ्लाइट है। विनीता जी, आपको ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि वो घर पर भी हॉल्ट कर सकती थी, वो होटल में क्यों थी? सर, मैंने इतना नहीं सोचा। काफ़ी गहरी चोट है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मैडम, आप थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरी माँ अकेली है घर। ये पुलिस केस है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दुनिया का सामना करते हैं। तब हमें पता चलता है कि असली दुनिया से लड़ाई क्या होती है। तब हमें हमारी बाउंड्रीज खुद तय करनी होती, अपने लिए खुद लड़ना होता है। क्या हुआ सर? तो लड़की जॉब छोड़ सकती है, लड़कियों को आवाज उठाने की सलाह दे रही है, वो थोड़े से पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू क्यों करेगी? सर, मार्केट में ये भी खबर है कि काव्या के भाई और पिताजी को स्टॉक मार्केट में बहुत नुकसान हुआ था और इसलिए काव्या के लिए ये पैसे बेहद इंपॉर्टेंट थे। ये बात करने के लिए वो विनीता को होटल में क्यों बुलाएगी? सर, हो सकता है कि विनीता के ऊपर वो इंप्रेशन डालना चाहती हो, ये कह के कि दो तीन घंटे बाद फ्लाइट है, ताकि विनीता को ये लगे कि वो अभी जॉब कर रही है। लेकिन विनीता के जाने के बाद काव्या भी कहीं बाहर गई थी, इसके बाद वो कहाँ गई होगी? एक काम करो, होटल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, हो सकता है कि काव्या ने किसी और को भी वहां से फोन किया हो। ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, मनोज के भाई राज के खिलाफ कंप्लेन हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखो मुक्ति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कंप्लेन करोगी तो ही हम कोई एक्शन ले पाएंगे। नहीं मैम, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मुझे बहुत पेन हो रहा है। हो गई आप सबकी तसल्ली? चलो मुक्ति। सर, मैं 100% श्योर हूँ ये होम वायलेंस का केस है। कई चोट तो काफी पुराने हैं, ये औरत हर रोज टॉर्चर होती है। फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। ये राज की बैकग्राउंड चेक करो। आना छोड़ने से क्या होगा, काव्या तो वापस नहीं आएगी। मेरे सपनों ने निकल लिया उसे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे बस। पापा, आप ही समझाओ ना मम्मी को। ना तुम अपना सपना उस पे थोपती, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। सर, होटल के फोन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग विनीता के बाद काव्या ने किसी और को फोन नहीं किया। लैब से लैपटॉप के डेटा का कोई रिपोर्ट? सर, डेटा अनलॉक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टीम को बोलिए टाइम कम है, शायद उस डेटा से हमें कोई लीड मिल जाए। काव्या के फोन रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर, काव्या के फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग होटल के बाद काव्या मनीष नगर गई, उसके कुछ घंटे बाद मेन मार्केट सेक्टर 15 गई और उसके दूसरे दिन MG रोड गई, जहां से उसके परिवार को लास्ट मैसेज किया गया और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इन सभी लोकेशंस पे काव्या के फोन से फैमिली को मैसेजेस गए, सिवाय ये मनीष नगर, यहां पर मैसेजेस आए हैं। स्वाति, ये मनीष नगर ही हमारा क्लू है, पता करना पड़ेगा कि काव्या मनीष नगर गई थी क्यों। मनीष नगर? हम तो वहां किसी को नहीं जानते। सर, काव्या मनीष नगर क्यों और किस लिए गई होगी हमें नहीं पता। सर देखिए, मैं नहीं जानता कि वो मनीष नगर क्यों और क्या करने गई थी। हाँ, हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी उसने। सोच के अजीब लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सर फ्लाई हाई एयरलाइंस के ट्रैवलर की डिटेल्स मिल गई है,
समीर पारेख नाम है उसका, सूरत का रहने वाला, पुलिस स्टेशन बुलाया उसे। काव्या के साथ मेरी फ्लाइट में काफी बातचीत हुई थी, मुझे पता चला कि वो भी सूरत की है। अच्छी लगी सर मुझे वो, और नशे की हालत में मैं उसके पीछे पीछे उसके होटल के रूम में चला गया। लेकिन सर मैंने उसे एयरलाइंस को रिटर्न अपोलॉजी भी दी थी, मैंने कहा था कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। क्या हुआ, क्या था उसे? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था तो। क्या क्या कहा था तूने? मैडम मुझे अच्छी बुकिंग करनी। जी अभी पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब? वो कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको खुद फोन करूंगी। क्या मैडम, पैसे बढ़ाने तो खुल के बोलो ना, आज मूड बना हुआ है, मूड खराब मत करो। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, अपना एड्रेस दीजिए। तुम्हें एक बात बताओ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें नहीं पता कि काव्या के मन में क्या चल रहा है? अब आप मम्मी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, वो ऐसे ही परेशान है। अगर मुझे पहले से ही पता होता उसके मन में क्या है तो ये हादसा होने से रोक नहीं लेती क्या मैं? नंदिनी एड्रेस है हाउस नंबर 55 वीआईपी कॉलोनी, तुम्हें वहां पहुंचना है। यस मैम मैं पहुंच जाऊंगी। समीर से काव्या को पता चला कि तुम लोग एकेडमी के नाम पर क्या कर रहे थे। काव्या ने मुझे होटल बुलाया था और जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ तुम ये काम बंद कर दो। देखो काव्या, हमने कभी भी तुम्हें अपने इस रैकेट में शामिल नहीं किया है, और जो लड़कियाँ काम के साथ साथ पैसा कमाना चाहती है वो खुद हमारे साथ ये एग्रीमेंट करती हैं। देखो मैंने आपकी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है, मैं इसका नाम बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने पुलिस को फोन लगाया। रुको, 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 रुको। पुलिस को फोन मत करो, मैं विनय से बात करती हूँ। और इसीलिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, हम तो उसे पैसे ऑफर करने वाले थे, पर इससे पहले कि हम कुछ करते उसके मर्डर की खबर आ गई। गुप्ता इन दोनों को जेल में रखो और देखो कि कब तक सच नहीं बताते। जी सर। और स्वाति साइबर सेल को बोलो कि लैपटॉप को बारीकी से चेक करें। राइट सर। हेलो सर, सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी। पहले तो तू ऐसा नहीं था, ये अचानक मारापीटी क्यों करने लगा? अभी तक तो मुक्ति ने कोई कंप्लेंट नहीं की है, अगर उसने कर दी। कोई एहसान नहीं कर रही है उल्टा मैं एहसान कर रहा हूं उसे घर से ना निकाल के। सर काव्या के ऑनलाइन ड्राइव पे ये वीडियो मिला, ये देखिए। काव्या शेठ के केस में पुलिस के सामने एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे, और तभी पुलिस को एक और कड़ी मिली। किसी ने पुलिस को अपने घर की बिल्डिंग के पीछे पड़े खाली प्लॉट से बदबू आने की शिकायत की, और जब पुलिस वहां पहुंची सर ये तो सोमेन की बॉडी है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मनोज को थाने बुलाओ। जी सर। सर उन डायमंड की वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैं सोमेन को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि सोमेन के पास करोड़ों के डायमंड्स हैं। तुमने पहले सोमेन को मारा और फिर वो डायमंड्स भी रख लिए। सर मैंने सोमेन को नहीं मारा है सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है सर। इस वीडियो में तुम ही हो ना, ये भी कोई साजिश है। सर सर ये वीडियो तो मैंने सर काव्या के कहने पर बनाई थी सर। मतलब सर काव्या मेरी जिंदगी में सिर्फ सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा थी सर। कैसा प्लान? सर मैं और मुक्ति नहीं चाहते थे कि हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता चले। मैं फ्लाइट में एक लड़की से मिला था, काव्या नाम है उसका। अरे सुनो तो सही, देखो वो एयर होस्टेस इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट रही, जो पूरे टाइम काम में बिजी रहेगी। जो सोचो वो रहेगी अपनी ट्रिप्स पे, हम लोग अपने ट्रिप्स। लेकिन आगे का क्या प्लान है? वो वक्त आने पे देखना है। सर प्लान के मुताबिक मैंने काव्या को प्रपोज किया और कुछ ही दिनों में हम लोग शादी करने वाले थे सर। काव्या अपनी फ्लाइट्स में बिजी रहती थी और हमारी मैसेजेस पे बात होती थी सर। प्लान के मुताबिक मैंने उसको कहा कि इस वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिसॉर्ट में जाने वाला हूँ, लेकिन इस बार काव्या ने मुझे सरप्राइज देने की सोची। सरप्राइज! काव्या? सर इस बात के लिए काव्या ने मुझे कभी कन्फ्रंट तो नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरे और मुक्ति के अफेयर के बारे में मेरे भाई राज को बता दिया और उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया सर। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मुक्ति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे तब हैरानी हुई जब काव्या ने मुझे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को वो गुमनाम कॉल किसने किया था? देखो मुक्ति और मैं अलग हो चुके, तुम उसे क्या चाहते हो? तुम्हारे घर की बदनामी ना हो इसलिए इस अफेयर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मुझे मेरी एकेडमी की एक फ्रेंड ने बताया, एकेडमी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। शायद इसी वजह से मैंने अपने एक करीबी को खो दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम एकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं क्या मदद कर सकता? तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बस एक बार मुझे असलियत का पता चल जाए, फिर चाहे तो तुम सामने से आकर मेरी फैमिली को शादी के लिए मना कर देना, लेकिन तब तक हमें शादी का नाटक करना पड़ेगा। सर मैंने काव्या को नहीं मारा है सर। सर मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। किस करीबी की बात कर रही थी वो? सर वो तो मुझे नहीं पता सर। सर सर आपसे कुछ बात करनी है। सर सोमेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोमेन के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, मौत का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा जैसे काव्या के केस में। मर्डर का पैटर्न सेम है, पॉसिबल है कि दोनों का मर्डर किसी एक ही आदमी ने किया होगा। ऐसा एक आदमी है जिसे उन दोनों की मौत से फायदा हो सकता है। मनोज और मुक्ति के बारे में तुम्हें काव्या ने फोन करके बताया था क्या? वो फोन काव्या ने किया था मुझे? और मत कर, पहले तूने सोमेन को मारा, उसके बाद अपने भाई पर डायमंड्स की चोरी का इल्जाम लगाया और उसे अपने घर से और अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। मैंने उसे घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरा भाई होकर भी उसने मेरे घर पे आग लगाई। फिर मैंने सोमन को नहीं मारा। फिर तूने काव्या को मारा ताकि मनोज फंस जाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, ये सब आपकी थियरीज है। अगर सबूत है आपके पास तो लाइए, मैं यही बैठा हूं। इन दोनों भाइयों की बराबर खिदमत करो। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन करीबी था जिसे काव्या ने खोया था। अकेडमी से काव्या का कोई करीबी? वो तो काव्या की बेस्ट फ्रेंड नेहा ही हो सकती है, दोनों पक्की सहेलियां थी, एक दूसरे को अलग करना नामुमकिन था। एयर होस्टेस एकेडमी में दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। गुड इवनिंग सर। सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर। ये ले बेटा। आंटी आपके हाथ के खाने में ना मेरा कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, ऐसा रहेगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, दोनों इतनी मेहनत जो करती हो।
आप लोगों के चक्कर में ना हफ्ते में छह दिन डाइटिंग मेरी भी हो जाती है। और आगे तू? एक दिन तो अच्छे से खाने दो। अरे खाना टूस ले। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि नेहा ने सुसाइड कर लिया। नेहा की माँ तो बचपन से ही नहीं थी, कुछ दिनों के बाद नेहा के पापा की भी डेथ हो गई। काव्या नेहा की डेथ के बाद बड़ी गुमसुम सी रहने लग गई थी। वो नेहा की मौत का सच जानना चाहती थी। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नेहा ने सुसाइड किया है। काव्या डिप्रेशन में ना चली जाए इसलिए हमने उसे मुंबई भेज दिया था। लेकिन सर ये सब तो 2 साल पहले की बात है, काव्या के मर्डर से ये सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो पता लगाना कि क्या कनेक्शन है। नेहा की फोटो है आपके पास? जी। काव्या की फ्रेंड नेहा भी तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी ना, क्या हुआ था नेहा के साथ? सर उसने तो सुसाइड किया था। और काव्या को नेहा की मौत का सच पता चल गया इसलिए तुमने काव्या को भी रास्ते से हटा दी। सच सच बताओ उस दिन होटल में तुम्हारे और काव्या के बीच में क्या हुआ था, बताओ। बताती हूँ सर। सर उस दिन होटल में और नेहा के साथ क्या हुआ था मुझे मालूम है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। नेहा के सुसाइड से एक दिन पहले नेहा और शगुन एक कॉल पर गए। शगुन ने हमें बताया था कि उसके साथ वहां जबरदस्ती हुई थी। कौन था वो, कहां भेजा था उसे? तुम मुंह नहीं खोलोगी ना अपना, जब तुम अब भी पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दो। बताती। और वो मनीष नगर में रहता है ना? हाँ। काव्या अचानक एक दिन मेरे घर पे आ गई थी। तूने मेरे फ्रेंड का रेप किया? रेप? मैं? कौन फ्रेंड? नेहा। मैं नेहा की बात कर रही हूँ। अरे तेरी दोस्त खुद लोगों के घर पे जाती थी, यहाँ भी आई है। लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम एकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। फ्लाइट में एक लड़की से मिला। देखो वो एयर होस्टेस, इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट है। विक्की? अरे क्या बात है, तुम इस धंधे में हो? मुझे तो पता ही नहीं था। कमाल विक्की क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें भाई समझती हूँ। विक्की ए सुन, भाई मैं सिर्फ काव्या का हूँ और तू यहाँ पे यही सब करने आई है ना? क्या कर रहे हो विकी? स्टॉप विकी, विकी स्टॉप, विकी स्टॉप। विकी काव्या का भाई, तू उसे कैसे जानता है? विकी और मैं काफी बिजनेस प्लानिंग साथ में किया करते थे। काव्या विकी की बहन है, वो तो मुझे उस दिन पता चला, वो भी शौक थी। विकी मेरा भाई। विकी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों, तेरा भाई है तो नहीं कर सकता क्या? रुक मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। सैमी के कॉल के बाद जब मैं वहां पहुंचा, आइए। काव्या तू तो मुंबई में थी ना, यहां कैसे? समीर क्या कह रहा है, तूने नेहा का रेप किया है? समीर ये सब क्या हो रहा है, ये नेहा बीच में कहां से आ गई? मुझे शर्म नहीं आती ना, ऐसे कैसे कर सकता है तू नेहा के साथ? गलती हो गई मुझसे, नशे में था। गलती हो गई तुझसे, गलती हो गई। और वो जो डायमंड तेरी अलमारी में मुझे मिले वो भी गलती थे। मैं यहां सोच रही हूं कि तुझसे इस बारे में बात कैसे करूं। ओहो, मतलब इसको डायमंड्स के बारे में भी सब पता है। देख तू किसी से कुछ नहीं कहेगी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ गंवा के बैठा हूँ। मुझे लगता था कि तू मनोज को मानता है इसलिए उससे घुलता मिलता है। मुझे क्या पता था कि तू झोंक की तरह उससे चिपका रहता है ताकि सही टाइम आने पे उसे लूट सके। तुम दोनों की सारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगी मैं। काव्या, काव्या,
ये क्या किया? अगर मैं ये नहीं करता ना तो हम बर्बाद हो जाते। काव्या की बॉडी को हमने समीर के घर पर ही रखा और मैंने उसके फोन से अलग अलग जगह जाके मैसेजेस किए। हम सोच ही रहे थे कि बॉडी का क्या करें, फिर हमें मौका मिल गया और हमने बॉडी को सुनसान जगह पे फेंक दिया। सोमेन को कैसे मारा? कैसे पता चला कि उसके पास डायमंड्स है? बोल। सर, मैं मनोज से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कराना चाहता था, पर वो इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर हमेशा टालता ही रहता था। इसी चक्कर में मैं उसके आगे पीछे घूमता था। फिर एक दिन मैंने सोमेन को उसके साथ देखा। मैं जानता था कि सोमेन डायमंड्स की डिलीवरी करता है। फिर मैंने समीर को फोन किया और हमने उसका पीछा किया। क्या है भाई, ऐसी गाड़ी चला दे? लालच के चक्कर में तूने एक लड़की का रेप किया, उसकी हत्या की। इतना ही नहीं, अपनी बहन को मारने में भी तू भागीदार बना। जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन तूने तो रिश्तों का ही गला घोट दिया। क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? पता तुमने ऐसा क्यों किया? बोल, बोल, क्या बिगाड़ा था? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया तू? ये भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया रे। पापा, पापा आप तो मेरी बात सुनिए। सब कुछ खत्म कर दिया। क्या दो दिन काफी होंगे फैसला लेने के लिए? क्या नेहा की मौत का कारण एकेडमी में चल रहा ये रैकेट है? क्या मैं सही करने जा रही हूँ? क्या विकी को मनोज और मेरे रिश्ते की असलियत पता है? अगर नहीं भी पता तो उसने मनोज से डायमंड्स चुराए। मैं अपने ही भाई की गलती को कैसे सही कर सकती हूँ? फैसले लेने इतने मुश्किल क्यों होते हैं? दुनिया में अच्छे बुरे दोनों रास्ते हैं, ये हमें तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मनोज मेहता और मुक्ति मेहता ने अगर अपनी मर्यादा का ख्याल किया होता तो वो लोग एक षड्यंत्र नहीं रचते। विक्की शेठ की नीयत अगर साफ होती तो वो अपनी बहन की सहेली, जो उसे भाई मानती थी, उसका रेप नहीं करता। अगर विक्की ने पैसों का लालच ना किया होता तो वो कत्ल और हीरों की चोरी नहीं करता। जिंदगी जीने के लिए खुशियां जरूरी है, परिवार का साथ जरूरी है, प्यार जरूरी है। इसलिए इंसानियत और प्यार को बढ़ावा दें, ना कि दौलत और दिखावे को। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।